बस जा देसन चला था जा देसन हट जा कल की रहते ना तुम जे भज्जे ही भट्टा ही बोल रहे हैं जो रास्ता में मोड़ मोड़ जाए अरे नहीं नहीं ये सो फिर बोल का जाओ राखेर बावर हिट के रूप पे चढ़ के वो ऊपर से तुम देख रहे हो हां लगा दो भैया सीढ़ी लगा दो है कि नहीं तुम लगाओ ना भैया सीढ़ी लगा दो अच्छा ऊपर चढ़ के बेड़गांव साम ऊपर चढ़ते भाई तुमने देखा है तो दोस्तों देख सकते हैं कल हम इस गांव में आए थे और आज फिर से एक सांप और दिखा है ये भट्टा में तो दोस्तों चल के देखते हैं कौन सा सांप है आप वीडियो में बने रहिए तो कौन सा गांव मजूला है मजूला गांव से है दोस्तों अभी देखो तो बेटा है बेटा अच्छा ऊपर आजा आदमी को मारे चलो ठीक है जोर से भग रहा था है ना तो फिर यही है वो हाँ यही है वो सांप जे गाय की दामन सांप बहुत तेजी से भगता है हाँ तो वो यही है इसमें भी बैठा है क्या उधर बैठा अपने किसान देख के जानवर बहुत सारा है क्या आज ये जंगल है ना यार पास में जंगल है और बस दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक दामन सांप बैठा हुआ है ये लोग बता रहे थे कि काला सांप है लेकिन हो सकता है इसमें एक सांप और हो काला वाला लेकिन अभी हमको दामन सांप दिखा है तो इसको हम देख सु कर रहे हैं आप वीडियो में बने रहिए रास्ता देखे कहीं जाने का ये देखो नहीं देखो जा ये वगैरह ये आ गया इधर आगे हो गया ये रहा ये रहा ये रहा नहीं जाएगा वो उस रास्ते में मिला गए है ना अब होगा पकड़ा होते थे है कितने क्या होता घुस गया मुझे साइड होते थे कमाल के थे काफी मेहनत करवा लेगा ना बस हाइट है वो हाँ नहीं थोड़ के जैसे हाइट है वो ही देखा है यार मुंह उसका है कि कौन सा मैं वही साइड से रहा यही साइड है ये मुंह तो दोस्तों देख सकते हैं काफी मशक्कत करने के बाद में हमको सफलता मिली है और तो अंटा उसने दे रहा है मैं फिर दामन है वो तो एकदम जोर से भागता है ना इसलिए कांच नहीं ना रहा अंटा छोड़ दिया वापस यार तो अंटा मैं छोड़ नहीं अंटा नहीं उसको छोड़ेंगे तो नहीं अब जाएगी अब थोड़ी आएगा पकड़ा हुआ अब छोड़ देंगे दोस्तों देख सकते हैं जी फिर से ईंटों के ढेर में जा चुका है जी तो अभी मैंने इसका पीछे की साइड से पूंछ पकड़ रखा है और
इसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं रेस्क्यू चल रहा है। और दोस्तों ये धामन सांप है और रेड स्नेक इंडियन। और दोस्तों इसको हम घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं। और ये जंगल में ये सांप ज़्यादा रहता है, हमारे खेतों की रक्षा भी करता है क्योंकि ये चूहे वगैरह भी खाता है। और दोस्तों ऐसा सांप अगर आपको दिखे तो उसको मारे ना, क्योंकि ये नॉन वेनमस होता है दोस्तों, बिना जहरीला। इसलिए अब शायद निकलने की करार में है। और मुकाम पे जागा था ना, ये देखो आप पब्लिक ले पूरे। यही था ना, चलो वाला नहीं है भैया, हाँ जी दामन सांप है, घोड़ा पछाड़ है कि नहीं। और ये किसान मित्र भी है, आप दूर हो जाओ। इधर 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 और आगे चलो, और आगे बब बोर तो बोर के नीचे पहली बोर के नीचे काटे हुए तो यहाँ से चल बस और आगे निकल और आगे चल घर में चल बोर है क्या तो आप जाके उस पर साथ दे दो एक कट्टा निकाल लो एक कट्टा दे दो कट्टा हट जाओ दादा ये कट्टा लिया कट्टा ना लिया होता बड़ी हाइट हो जाती है इसकी, 11 फीट पब्लिक है ये, हाँ 11 फीट कम से कम। ये दामन सांप घोड़ा पछाड़ पेड़ों पे भी चढ़ जाता है और हमारे खेतों में भी ये रहता है। और क्या कि ये चूहा इसका मुख्य भोजन है, सांप का चूहा खाता है ये तो हाँ नहीं खाता है, लेकिन क्या है कि इससे इंसान की मृत्यु नहीं होती है। हमारे भारत में क्या ही बहुत अंधविश्वास फैला रखा है और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी पूंछ मारने से भी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी पूंछ में कोई डंक नहीं है, कोई जहर नहीं है, है कि नहीं। और ये और लोग बाग बोलते हैं कि गाय का भी जो दूध पी जाता है, लेकिन सांप का भी दूध नहीं पीते। तो दोस्तों इसको हम पैक करते हैं और इसको सुरक्षित जंगल में रिलीज करेंगे ताकि ये सुरक्षित रहे। और एक कट्टा लिया आप लोग दोस्तों कल भी हम इसी गांव में आए थे एक सांप का रेस्क्यू करने के लिए। वो कोबरा सांप था और काफ़ी बड़ा सांप था वो भी। और क्या मजोला गांव है ना जी, तो दोस्तों ये मजोला गांव है, राघोगढ़ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है जी। अरे ऊपर से क्या है ये काला दिख रहा था तुम इसलिए बोल रहे थे आप, है कि नहीं। ये इसकी स्पीड बहुत है, इसकी स्पीड भगने में बहुत है। भारत का सबसे फुर्तीला सांप है जी भगने के मामले में। नहीं नहीं सांप अगर खा ले तो कोई दवा दवाई नहीं है भैया, ना कोई झाड़ फूक है, सीधा हॉस्पिटल जाइए, है कि नहीं। लो ये रहे हो क्योंकि
हमारे भारत वर्ष में हर साल 50,000 लोगों की मृत्यु होती है सांप काटने से, वो काय के कारण, अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़ फूक करवाने के चक्कर में। पेड़ों पे बहुत जल्दी चढ़ता है। अच्छा, पेड़ों पे क्या कीजिए, चिड़ियों के घोंसला वगैरह रहते हैं ना, अंडे वंडे, हाँ अंडा वगैरह खाने के लिए। ढाई मीटर होगा, दो मीटर का भी दो को भी नहीं। इसमें कट्टे में छेद तो नहीं है? नहीं नहीं, तो पता पड़ा अपन ऊपर से बंधा है और नीचे से निकल जाए। नहीं नहीं, पास में पास। दोस्तों अब हमने इसको पैक कर लिया है और इसको सुरक्षित इसके वातावरण में रिलीज करेंगे ताकि ये वहाँ सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ऐसा सांप अगर आपको दिखे तो उसको मारे ना, क्योंकि ये जहरीला नहीं होता है और ये हमारा किसान मित्र भी होता है, क्योंकि ये हमारे खेतों के चूहों को खाता है, हमारे नाच पानी को बचाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सरपंच मित्र डी के सैनी को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी भी जवान की जान बचाते हुए। जय हिंद दोस्तों।